तो जी अब थोड़ा सा एक्शन बंद और थोड़ा मेकअप की तरफ ध्यान देते हैं। तो जो ग्लॉस मैंने आपको दिखाया है पिछली क्लिप में, उसको लेकर मैं अच्छी तरह से अपने लिड पर और क्रीज लाइन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद जो है सिंपल पिंक शेड लेकर मैं इस शेड को ब्लेंड कर लूँगी। जो है आउटर वी पर मैं डार्क ब्राउन कलर का शेड है जिसको अप्लाई करूंगी। सिर्फ वी बनाने के लिए हम आउटर वी पर इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों आंखों की मैंने वी जो है बना ली है डार्क ब्राउन शेड के साथ। इसके बाद इनर वी जो है उस पर मैं शिमरी पिंक शेड लेकर जो है अप्लाई करूँगी। तो आजकल मुझे आँखों का बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ एक मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ना तो मैं कोई लैशेज अप्लाई कर सकती हूँ और आजकल ना ही कोई लेंस अप्लाई कर सकती हूँ। मेकअप से भी मुझे अवॉइड किया गया है, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरी मेहनत का मुझे सिला एक सब्सक्राइब और एक लाइक देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी मेकअप जो है वो मैंने ऑफ कैमरा डन कर लिया है, लाइनर भी अप्लाई कर लिया है। तो आंखों के अंदर जो है मैं अप्लाई करूँगी आज काजल। और टेयर डक को जो है मैं सिल्वर शेड के साथ जो है वो सजाऊंगी। आंखों के नीचे जो पिंक शेड मैंने लोअर क्रीज लाइन पर अप्लाई किया था वही शेड मैं अप्लाई करूंगी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैशेज अप्लाई करने के बाद जो मेरी आंखों में से पानी निकला और मेरा आई मेकअप जो है वो थोड़ा बिगड़ गया था, तो उसको मैंने ऑफ कैमरा मुझे पता है जैसे मैंने ठीक किया था। तो अगेन वही बात कि बहुत ज़्यादा आँखों का इन्फेक्शन आजकल चल रहा है, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है। तो काइंडली जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि मैं खुश हो जाऊं कि मेरी मेहनत का कुछ तो सिला मिल रहा है मुझे। यहाँ पर आई लैशेज अप्लाई करने का ख्वाब भी रह गया, अप्लाई नहीं हो सकी। फाइनली माई मेकअप लुक इज़ डन। तो अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और मज़ीद इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो सिंपल से शेड्स हैं जो हमने अप्लाई करके हमारी आई मेकअप लुक जो है वो ज़बरदस्त किस्म की बन चुकी है। तो होपफुली बिगनर्स के लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तो यहाँ पर मैं अपने लिप कलर को थोड़ा सा लाइट करने के लिए, ये देख सकते हैं कि बहुत ही न्यूड सा कलर है, ये अप्लाई करूँगी तो लिप कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।